नमस्कार, बात करेंगे भीषण गर्मी की। देश के साथ ही ग्वालियर में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इंसान और जानवर के बाद अब तो बिजली के ट्रांसफार्मर्स को भी कूलर की ठंडी हवा देनी पड़ रही है। जी हाँ, ग्वालियर में कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं। गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर्स पर लोड बढ़ रहा है। इस लोड के चलते ट्रांसफार्मर्स का हीटिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँचते ही वो ट्रिप हो जाता है। लगातार बिजली ट्रिपिंग समस्या से निजात पाने और भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली की समस्या से राहत देने के लिए विद्युत विभाग ने शहर के 60 से ज़्यादा विद्युत सब स्टेशंस के बिजली ट्रांसफार्मर्स पर बड़े कूलर लगा दिए हैं। कूलर की ठंडी हवा के जरिए इनके हीटिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर बिजली ट्रिपिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर में ये पहली बार है जब सभी सब स्टेशंस पर यह व्यवस्था की गई है। गर्मी अपना रौद्रूप दिखा रही है, वहीं अगर हम बात कर रहे हैं बिजली के जो उपकरण, बिजली की जो खपत गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से बिजली विभाग ने अपनी जो डीपियाँ हैं, ट्रांसफार्मर हैं, उन पर कूलिंग के लिए कूलर लगा रखे हैं। लाइनों पे बहुत लोड पड़ गया है और इस कारण से हमारे जो सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, आपने अभी देखा होगा कि उनकी कूलिंग के लिए हमने अलग से कूलर लगाए हुए हैं। इतनी गर्मी की वजह से लोड बढ़ गया है और इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। गर्मियों में इसका वजह से होता है, हर किसी उपकरण की एक कैपेसिटी होती है। जैसे 200 KVA ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम लोडिंग जो होगी, अब गर्मियों में क्या है, ज़्यादातर आजकल एक ट्रेंड चला आ रहा है कि लोग कूलर की जगह AC प्रेफर करते हैं, तो जैसी गर्मी आती है उसकी वजह से लोड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस कारण से हमारे सिस्टम पे भी लोड बढ़ता है और हमें भी उसको मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं। हाँ, उसका ये है कि जब आपका उपयोग ना हो तो उस समय बंद कर दें और जितना कम से कम बताए, आप बताएं जहाँ हो सके कि हर एक रूम में अलग अलग AC लगा रखे हैं और ये, उसकी जगह एक प्रॉपर यूज करें और बिल सही से भरें। इससे हमें भी सिस्टम को लोड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करें, उसके लोड की क्षमता वृद्धि करें तो उसको समझ में रहे। वो लाइट देखो क्या होता है, जब लोड बढ़ता है तो सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, बार बार ट्रिपिंग आती हैं सिस्टम पे और केबलें बार बार जलती हैं और इस वजह से क्या है, अपने ट्रिपिंगें भी ज़्यादा आती हैं। उसको काम रेक्टिफाई करने के लिए हमको परमिट ही ज़्यादा लेने पड़ते हैं। इस कारण से थोड़ा सा ट्रिपिंग बढ़ जाती है और लोगों को थोड़ी असुविधा होती है गर्मियों के समय। बाकी पूरे साल भर तो अच्छी सप्लाई रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में लोगों की समस्याओं के निरंक किए जाए। जनसार की न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।